अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। मैं हूँ मेहर अली शहाब। मैं इस वक्त तेहरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं अपने यूट्यूब चैनल शहाब डायरी पे मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के ये वीडियो बनाने का मकसद है ईरान स्टडी इन ईरान कि बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं, उसके अलावा मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, जिनको पता होता है कि हम यहाँ पे तेहरान यूनिवर्सिटी में होते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो पूछते रहते हैं कि वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का और स्टाइफन क्या है, वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को आगाह करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह आपको वक्फा वक्फा एक एक वीडियो करके, एक वीडियो फिर सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इसी तरह वीडियोस बनाते जाएंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग के बारे में कि तेहरान यूनिवर्सिटी में या ईरान के स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल किया जाता है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ईरान में स्कॉलरशिप्स जो है वो दो तरीक़े हैं स्कॉलरशिप्स अवेल करने के। एक तरीका है आप मिनिस्ट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है आप अप्लाई करते हैं आपके शहर में जहाँ पे भी खाने फरंग है वहाँ पे जाके उनसे इंफॉर्मेशन लेके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके थ्रू अप्लाई करते हैं। और एज लिमिट जो है इस स्कॉलरशिप के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स मास्टर्स के लिए और साथ साथ आपका CGPA जो है कम अज़ कम जो है 3 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4। तो जब ये दो चीज़ें हों, अगर आप 30 से आपके एज कम हैं, उसके अलावा आपका CGPA जो है 3 से अबव है आउट ऑफ 4, आप अप्लाई इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक आसान तरीका, इजी तरीका ईरान में अप्लाई करने का ये है कि आप दूसरे कंट्रीज़ की तरह, जैसे कि कोरिया है, चाइना है, दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आर्ट्स मांगते हैं, यहाँ पे आर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, एक फ़ायदा ये है आपके लिए। उसके अलावा जो है वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स, फिर एक्सेप्टेंस लेटर्स, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। ईरान में सिर्फ आपके 3 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके मांगते हैं। सबसे पहले जो है आपके एक तस्वीर, एक पिक्चर, उसके साथ सेकेंड चीज़ जो है आपके पासपोर्ट, थर्ड चीज़ जो है आपके, अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए पाकिस्तान में जो है आप मास्टर्स करते हैं, 2 साल जो हम मास्टर्स कहते हैं वो अलग है, यहाँ पे अलग है, जो पाकिस्तान का एम फिल समझे और यहाँ का मास्टर्स, तो इसके लिए आपके जो उधर जो मास्टर्स किया होता है उसके डिग्री, और दूसरी चीज़ जो है ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं यहाँ पर, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है आपके पासपोर्ट, तीसरी चीज़ जो है आपकी एक तस्वीर, बस ख़त्म। ये चीज़ें जो हैं इसके बेस पे आपका एडमिशन होता है ईरान में। जब एडमिशन होता है तो यहाँ पे आपको पर्शियन लैंग्वेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और पर्शियन लैंग्वेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को फिर बुलाते हैं यहाँ पर, बुला के यहाँ पे आप लोगों को पर्शियन लैंग्वेज ये लोग खुद सिखाते हैं। एक ये है कि अगर आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है तो यूनिवर्सिटी जो है आपको रिकमेंड करती है कहीं पे जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपको वहाँ से पर्शियन करवाती है लैंग्वेज, फिर उसके बाद आप जाके अपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पर आप अपना जो एजुकेशन जो है पर्शियन लैंग्वेज में जारी रखते हैं। दूसरे जो स्कॉलरशिप जो है, अगर आप मिनिस्ट्री की जो ईरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके जो स्कॉलरशिप अगर आप अवेल करते हैं, उस पे ये होता है कि मिनिस्ट्री जो है आपको भेज देती है, जैसे कि हमने खुद किया है, कज़वीन में एक यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी है, दानिशगाह है इमाम खुमैनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपको 8 महीने का पर्शियन लैंग्वेज कराते हैं। फिर पर्शियन लैंग्वेज कराने के बाद ये होता है कि आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो जाता है मिनिस्ट्री में, वापस आपका रिज़ल्ट कार्ड उधर जाता है मिनिस्ट्री में, वहाँ पे आपके मार्क्स के बेस पे आप लोगों को वो मिनिस्ट्री जो है आपको नामा जो लेटर है वो जारी करती है, किसी यूनिवर्सिटी को भेज देती है कि ये बंदा जो है इसने यहाँ से लैंग्वेज किया है और आप लोगों ने इसको एडमिशन के लिए हम आपको रेफ़र करते हैं, आप इसके जो इंटरव्यू करना है जो भी प्रोसेस है करके आप इसको एडमिशन दे दें। अब जो है यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी मर्ज़ी है, वो आपको कबूल करे या उसका वो जो नामा जो है रिजेक्ट करे। सबसे पहला जो है वो ये होता है
कि आपके नामा जाने के बाद वहाँ पे फिर वो यूनिवर्सिटी वाला आपकी तीन चीज़ें देखते हैं, एक CGPA जो पाकिस्तान में आपने किया है वो, दूसरी चीज़ जो है यहाँ के जो लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो टोटल 20 हैं, 20 में से आपने अगर मिसाल के तौर पर जो है आपने तेहरान यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो कम अज़ कम 17 से एबो होना चाहिए, आउट ऑफ 20 एबो होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फिर वो देखती है यूनिवर्सिटी कि आपके मार्क्स लैंग्वेज में 17 से एबो हैं या नहीं है। और तीसरी चीज़ आपकी इंटरव्यू होती है, आपको आपसे पर्शियन लैंग्वेज में इंटरव्यू लेते हैं, जब वो इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर उसके बाद जो है आप अपना एडमिशन का प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद आप जाके एक्सेप्ट आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है, फिर उसके बाद आप अपना एजुकेशन जारी रखते हैं। और तीसरा एक जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के ईरान में पढ़ने का ये फ़ायदा है कि ईरान जो है ईरान के जो रिसर्च है, रिसर्च जो है दुनिया के टॉप जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी हैं उन सब के साथ इनका अच्छा जो है उनके मुकाबले का रिसर्च कराया जाता है यहाँ पे, और पाकिस्तान के जो रिसर्च से हज़ार गुना बेहतर है। यहाँ पे क्वालिटी की रिसर्च कराते हैं, यहाँ पे आपको डिग्री देते हैं, आपसे काम लेते हैं, ज़ाहरी बात है ईजी तो नहीं है। तेहरान यूनिवर्सिटी इसलिए तो मशहूर है दुनिया में, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। आप अप्लाई करके जब आते हैं यहाँ पे, अगर आप जब आप पढ़ते हैं शुरू में तो थोड़ा कुछ आपको जब पर्शियन लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर उसके बाद समहाउ आपको पता चलता है कि मतलब आप चल पाते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस में। और एक और भी होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, एक ये भी फ़ायदा है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी हैं, जैसे कि बेहश्ती यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, फिर इंजीनियरिंग के लिए आमिर कबीर यूनिवर्सिटी ईरान के टॉप यूनिवर्सिटी है, फिर ख़ुद तेहरान में यूनिवर्सिटी में भी। यहाँ पे यह होता है कि आप लोगों को बुक रिव्यूज़ के लिए या जो भी रिसर्च पेपर्स हैं उसके अलावा जो है आपको थीसिस के लिए इंग्लिश में भी अलाउ किया जाता है, आप इंग्लिश में, लेकिन लेक्चर जो है क्लास में जो होगी वो पर्शियन में होगी। आपको थीसिस लिखने के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए या बुक रिव्यूज़ लिखने के लिए आप लोगों को परमिशन है वहाँ पर, आप कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ बहुत इजी है, बहुत अच्छा माहौल है ईरान का, आप इंजॉय करेंगे यहाँ पर के, एक्सपोजर मिलेगा आप लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट, बहुत से कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर आके पढ़ते हैं, डिफरेंट कल्चर सीखने को मिलेगा, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट माइंड्स के साथ आप मिलेंगे, तो फिर आप ज़ाहिर बात है आपके अपनी एक उस लेवल की आपकी अपनी तरबियत भी होगी एक लेवल से, एक हवाले से। तो आज तक ये अभी तक की जो वीडियो है यहाँ तक थी। अगर आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों को वीज़े के बारे में, फिर उसके अलावा यहाँ के फूड्स के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, हॉस्टल के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फील्ड्स के बारे में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई बनने वाली वीडियोज़ आप लोग तक ईज़िली पहुँच जाएँ। थैंक यू।